जय बोले दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। गणेश महोत्सव के शुभ अवसर पर हम आप पहुँचे हैं फतेहगढ़ करनलगंज के बप्पा के दर्शन करने के लिए। कि पग में फूल खिले और हर खुशी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही है मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं बप्पा के आगमन के लिए किस प्रकार भक्तों ने तैयारी कर रखी है। दोस्तों, पहले आपको दिन का व्यू दिखाते हैं पंडाल का, उसके बाद में रात का दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं भक्तों के आने का प्रमुख द्वार। भक्तों ने पंडाल तो काफ़ी प्यारा सजा रखा है, पर इसकी रात में शोभा को चार चांद लग जाते हैं जब इसमें लाइट की रौनक बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा गणपति जी के दरबार में इतने कम लोग क्यों हैं, तो दोस्तों यह वीडियो हमने दोपहर के टाइम में शूट किया था, इसी की वजह से इतने कम लोग दिख रहे हैं आपको। चलिए अब आपको ले चलते हैं बप्पा के प्रमुख द्वार, जहाँ पे गणपति जी विराजमान हैं। अब आपको ले चलते हैं गणपति जी के दर्शन की ओर। आपको दिखाएंगे कि कितनी विशाल प्रतिमा है और कितनी सुंदर प्रतिमा है गणपति जी की। पर ये क्या, यहाँ पहुँचने के बाद तो गेट था बंद। दोस्तों, गेट बंद होने का कारण जानवर है। इस टाइम में जानवर अंदर चले जाते हैं। चलिए गेट खोल के आप चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर, और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार गणपति जी विराजमान हैं। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिएगा, बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, गणपति जी के माध्यम दर्शन करने के बाद में अब आपको ले चलते हैं रात्रि दर्शन के लिए। दोस्तों, रात का दृश्य तो देखते ही बनता है। जो लाइट होती है वो पंडाल और दरबार की शोभा 100 गुना बढ़ा देती है। चलिए अब आपको ले चलते हैं गणपति के रात्रि दर्शन कराने। दोस्तों, रात्रि में जो गणपति जी के दरबार से सुखी मिलती है, वो नेत्रों और दिल को दोनों को भाती है। दोस्तों, रात्रि दर्शन में आपको काफ़ी लोग दिख रहे होंगे, काफ़ी भक्त लोग आए गणपति जी के दरबार में दर्शन करने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं गणपति जी के प्यारे मूसक राज और गणपति जी के रात्रि दर्शन और संपूर्ण गणेश जी के मंदिर के दर्शन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप तक और भी ऐसी वीडियो पहुंच सकें। और कमेंट में गणपति बप्पा लिखना मत भूलिएगा। मेरे साथ बोलिएगा गणपति बप्पा मोरया।